Hello students, in this lecture I will discuss most important part of integration, that is to say definite integral as a limit of sum, which is very important topic in JEE Main, JEE Advanced and BITSET point of view. Several question comes from this topic, so let's start definite integral as a limit of sum. Okay, suppose a function fx is given by fx is equal to limit n approaches infinity sigma r goes from 1 to n 1 by n into f of r by n. तो हम इसे बोलेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल या लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करेंगे. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्लेस r by n इज इक्वल टू x. हमें क्या करना है, r by n को रखना है x एंड 1 by n इज रिप्लेस बाय dx एंड सिग्मा r goes from 1 to n is replaced by integral. Is it all right? तो देखिए ये क्या है, हमें r by n को x रखना है, first point याद कर लेना, 1 by n को dx रखना है, sigma को हमें integral में change करना है, ठीक है? Second point क्या है कि जो इसका lower limit रहा होगा, sigma का जो lower limit रहा होगा, corresponding integration का lower limit रहा होगा, sigma का जो upper limit रहा होगा, उसके corresponding हम इंटीग्रल का अपर लिमिट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. जैसे ये क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट n अप्रोचेज इनफिनिटी 1 बाय 2n प्लस 1 प्लस 1 बाय 2n प्लस 2 अप टू 1 बाय 6n. तो जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, ये देखिए, लिमिट n अप्रोचेज इनफिनिटी ये तो रहेगा. अब देखिए हर एक टर्म में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है न्यूमरेटर में, ईच एंड एवरी टर्म कंटेन्स 1. तो क्या होगा, इसका nth टर्म में भी क्या होगा, n रहा होगा, हम यहां सिग्मा लगा लेंगे 1 अपॉन. अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है 2n, सेकंड टर्म में क्या है 2n, तो ये जो लास्ट वाला टर्म रहा होगा उसमें भी क्या रहा होगा, 2n प्लस 4n रहा होगा, ठीक है? अब ये देखिए पहले में 1 2, तो जो rth टर्म रहा होगा उसमें क्या रहा होगा, r रहा होगा, तो हम लिखेंगे 2n प्लस r. और जो r की वैल्यू है वो कहां से कहां तक मूव करेगी, 1 से लेके 4n तक मूव करेगी. इज इट ऑल राइट? तो देखिए इसको करेंगे कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 टू 4n 1 अपॉन 2n प्लस r. इज इट ऑल राइट? तो देखिए हमें क्या करना है, फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, यहां देखते हैं, fx है 1 बाय n लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r बाय n, ठीक है? हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है. तो इसे कंक्लूजन ये निकला कि हमें n को बाहर लेना है क्योंकि हमें 1 बाय n फॉर्म में लाना है. तो टेक n कॉमन, तो लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी क्या होगा, 1 बाय n आ जाएगा एंड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 4n यहां पे बच जाएगा 2 प्लस r बाय n. इज इट ऑल राइट? अब देखिए अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, पुट r बाय n इज इक्वल टू व्हाट, x एंड 1 बाय n इज व्हाट, dx, ठीक है? तो हम इसे सॉल्व करेंगे एंड सिग्मा बाय इंटीग्रेशन, सिग्मा को कैसे चेंज करना है, सिग्मा बाय इंटीग्रेशन. ओके, तो जरा देखिए इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है, सिग्मा की लोअर लिमिट 1 है, तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट क्या होगी, यहां पे जब r अप्रोचेज 1 करेंगे तो x क्या होगा, x अप्रोचेज देखिए 1 बाय n एंड लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी पे 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0, ठीक है? व्हेन r अप्रोचेज 4n तो x अप्रोचेज 4, तो हमारा जो लिमिट हो गया वो हो गया 0 टू 4. अब देखिए 1 बाय n इज कॉल्ड dx एंड 1 बाय 2 प्लस x. इज इट ऑल राइट? अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 बाय 2 प्लस x क्या होगा, log 2 प्लस x, कहां से कहां तक मूव करेगा, 0 से 4. यू कैन राइट log 2 प्लस 4 6 माइनस log 2, यू कैन राइट log m बैन, तो 6 बाय 2, दिस इज व्हाट, log 3, दिस वन इज फाइनल आंसर. ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने इसको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जब हम सिग्मा फॉर्म में करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो हर टर्म में क्या है, डिनोमिनेटर के ईच एंड एवरी टर्म कंटेन्स 2n 2n 2n, तो nth टर्म में भी क्या आएगा, देखो ये 6n दिया है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2n, एंड 2n में क्या ऐड करेंगे कि 6n आएगा, तो 4n ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2n plus r and r goes from 1 to 4n। तो हमने इसको पहले डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें 1 by n बाहर लेना है, तो यहां से इफ यू टेक n कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर तो ऐसे आ जाएगा 1 by n, तो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, r by n को x मान लिया, ठीक है, एंड 1 by n को क्या मान लिया, dx मान लिया, एंड सिग्मा को जो है इंटीग्रल में चेंज करना है। सी केयरफुली, द लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा इज 1 एट इफ r अप्रोचेस 1 देन 1 by n एंड n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो 1 by infinity की वैल्यू क्या होती है, 0, इज इट ऑल राइट। तो ये देखो ये आ गया 0, व्हेन r अप्रोचेस 1 तो 1 by n एंड n अप्रोचेस क्या है, इंफिनिटी है, तो n अप्रोचेज इंफिनिटी पे 1 by infinity की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, व्हेन r अप्रोचेस 4n तो 4n अपॉन n, अब जरा देखो 4n अपॉन n क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 टू 4, एंड 1 by n is what? 1 by n is dx, तो हमने लिख दिया dx, is it alright? And 2 plus x, now if we solve it, 1 by 2 plus x is log 2 plus x, lower limit 0, upper limit 4, तो upper limit minus lower limit, तो if we replace x by 4, तो 2 plus 4 is 6, log 6 minus log 2, log m minus log n is log m by n, final answer is log 3, चलिए, अब second question करते हैं, देखिए question number second है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, रूट एन रूट एन रूट एन, और यहां पे एन आ रहा है, इट मीन्स हमें इसको रूट एन बनाना पड़ेगा, जरा ध्यान दो, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, ठीक है, न्यूमरेटर में रूट एन करना पड़ेगा, इज इट ऑल राइट। अब देखो डिनोमिनेटर में आ रहा 49n, अब यहां देखो यहां पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, फिर रूट 2 यानी रूट 1 हम कह सकते हैं इसको, रूट 1 रूट 2 रूट 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रूट आर लिख सकते हैं ब्रैकेट, अब यहां देखो 3 root 1, फिर 3 root 2, फिर 3 root 3 लास्ट में, तो हमें लिखना पड़ेगा 3 root r, ठीक है, सब में देखो चेंज हो रहा है, 3 root 1 यहां पे देखो, 3 root 2 यहां पे देखो, 3 root 3, तो nth टर्म में क्या रहा होगा, rth टर्म में 3 root r, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये इसका rth टर्म हम निकालने की कोशिश करें, nth टर्म अगर हम देखें तो 3 root n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 root n 4 root n सब में आ रहा है 4 root n, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये भी आएगा 4 root n, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 root n प्लस 3 root n 7 root n, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो 7 root n के स्क्वायर 47n, ठीक है, 7 root n के स्क्वायर 47n, और ऊपर क्या आ गया, हमने इसको लिख दिया रूट एन, तो देखो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, रूट एन से रूट एन कटा, 47n आ गया, ये भी एन एन कर देते हैं क्योंकि हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट nth टर्म, तो 1 बाई 47n को ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 49n, तो वी कैन राइट 1 बाई 49n इज इक्वल टू रूट एन अपॉन रूट एन इंटू 3 root n प्लस 4 root n होल स्क्वायर। तो जरा देखो अगर हम इसके rth टर्म को लिखें, अगर हम सिग्मा फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, ठीक है, सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे रूट आर अपॉन रूट आर, देखो यहां पे रूट 1 रूट सॉरी ऊपर रूट n लिखेंगे, नॉट रूट आर, बिकॉज देखो ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, रूट एन रूट एन रूट एन सब में रूट एन आ रहा है, यहाँ पे रूट आर इंटू क्या लिखेंगे, 3 root r प्लस 4 root n, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इज इट ऑल राइट, ओके। अब देखिए आवर एम इज टू कन्वर्ट इट इंटू 1 by n, अब हमारा एम क्या है, एम क्या है हमारा, इसको हमें 1 by n लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो लेट मी करेक्ट, देखिए
एम क्या है, मैं लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 बाय एन एफ ऑफ आर बाय एन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एन को हम लाएंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ से अगर हम रूट एन कॉमन ले लें तो रूट एन अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एन, बिकॉज स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा आर गोज फ्रॉम 1 टू एन 1 बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर बाय एन, ऊपर वाले एन को हम नीचे लेते आए, और यहां पे हमने अगर एन कॉमन ली, इफ यू टेक एन कॉमन तो यहां पे मिल जाएगा रूट आर अपॉन एन प्लस 4 होल स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ओके, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, r बाय n को मानना है x एंड 1 बाय n इज dx। अब देखो यहां पे इफ r अप्रोचेज 1 एंड सिग्मा को क्या करना है, सिग्मा चेंज बाय इंटीग्रल, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा इज 1, व्हेन r अप्रोचेज 1 तो 1 बाय n, एंड एट n अप्रोचेज इंफिनिटी x अप्रोचेज व्हाट, 0, बिकॉज 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। ओके, अब देखो अगर हम r अप्रोचेज n करें, ठीक है, तो x अप्रोचेज क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल हो गया 0 टू 1। अब देखो 1 बाय n इज व्हाट, dx, 1 बाय रूट n, r बाय n इज x, तो ये हो जाएगा आपका रूट x, रूट x इंटू 3 रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज व्हाट, dx। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो, इट्स नॉट ए टिपिकल क्वेश्चन, चलो मैं ही कर देता हूं। लेट 3 रूट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2 रूट x dx, दैट इज व्हाट, dt। इज इट ऑल राइट? ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको एंजॉय करके पढ़ो। देखो अब हम क्या करेंगे, dx by root x, तो dx by root x क्या हो जाएगा, 2 by 3 into dt, तो we can write, we can solve it, तो कैसे लिखेंगे, I is what, 0 to 1, अब देखो listen carefully, when x approaches, अब यहां पे इंटीग्रल भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, x अप्रोचेज 0, जब x 0 रखेंगे तो t अप्रोचेज क्या होगा, t अप्रोचेज हो जाएगा 4, व्हेन x अप्रोचेज 1 तो t अप्रोचेज 7, तो हमारा इंटीग्रल हो गया 1 से लेके 7 तक, और dx यहां पे क्या लिखेंगे, 2 by 3 dt अपॉन रूट x, dx by root x को हम 2 by 3 dt लिखेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 बाई 3 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 7 तक जाएगा, तो ये माइनस 2 बाई 3 बाहर ले लो, अब क्या लिखेंगे, 1 बाई 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2 बाई 3, 1 माइनस 7 माइनस 6 बाय 7, तो ये आप कर सकते हो, 3 टू जा 6 एंड 2 टू जा 4, 4 बाय 7, दिस वन इज फाइनल आंसर। ओके, एंड लेट मी करेक्ट, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, आई डिड मिस्टेक हियर। ओके, देखो लोअर लिमिट क्या था, हियर लोअर लिमिट जो है 1 की जगह पे 4 था, आई डिड मिस्टेक हियर, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे आएगा 4 टू 7, यहाँ पे आएगा 4 टू 7, यहाँ पे आएगा 1 बाई 7 माइनस 1 बाय 4। ओके, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लो, देखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब देखो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 7, तो माइनस 2 बाई 3
एलसीएम क्या होगा, 7 और 4 का 28, 7 4 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाई 3 इंटू 4 माइनस 7 माइनस 3 बाई 24, तो आंसर इज व्हाट, 1/14, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल इज ए लिमिट ऑफ सम के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें हमें बस वन एन को बाहर लेना है। तो इफ यू टेक एन स्क्वायर कॉमन, तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, रूट एन स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो वन बाय एन सिग्मा आर गोज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर बाय एन का होल स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? अब देखो, पुट आर बाय एन इज वॉट एक्स एंड वन बाय एन इज वॉट डी एक्स। इज इट ऑल राइट? तो हम क्या करेंगे, अब देखो r की जो लोअर लिमिट है दैट इज 0, 0 बाय समथिंग 0, इट मींस व्हाट, x अप्रोचेस 0, एंड इफ r अप्रोचेस n माइनस 1 देन x अप्रोचेस n माइनस 1 अपॉन n, ये क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x अप्रोचेज 1, तो हमारा जो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया वो हो गया 0 टू 1 dx। अब देखो 1 बाय n को हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, तो आवर इंटीग्रल बिकेम dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x, 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाई 2, तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2। इज इट ऑल राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन मोर प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी 1 टू द पावर पी प्लस 2 टू द पावर पी प्लस 3 टू द पावर पी अप टू एन टू द पावर पी होल डिवाइडेड बाय एन टू द पावर पी प्लस 1, वेयर पी इज मोर देन 0। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट इन टू सिग्मा फॉर्म, तो देखो 1 2 3 ये सभी में चेंज हो रहा है, 1 2 3 लास्ट में n आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, r goes from 1 to n r to the power p upon n to the power p plus 1। अब देखिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल है जो लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको जो है यहाँ से लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ से n 1 बाय n n टू द पावर p प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर p प्लस 1 इज n टू द पावर p इंटू n लिख सकते हैं। यस, n टू द पावर p इंटू n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 टू n r टू द पावर p अपॉन n टू द पावर p इंटू 1 बाय n। इज इट ऑल राइट? अब देखो इस फॉर्म में आ गया, अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी सिग्मा r goes from 1 to n r by n raised to the power p into 1 by n. Now put r by n is what, r by n is what x and 1 by n is what dx, and इसको सिग्मा को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा r goes from 1 to n to 0 to 1 integral. Okay, तो our integral become 0 plus 1 upon p plus 1 0 to 1. Okay, now our answer will be 1 by p plus 1. This one is final answer. Is it all right? चलिए one more problem करते हैं. ठीक है, now by 2n into sin 2 pi by 2n into sin 3 pi by 2n up to sin n minus 1 into pi by n and whole to the power 1 by n. देखिए इस question में क्या दिया है, हर term में क्या है, 2n है, each and every term contains 2n, but n nth term में जो है 2n नहीं है. ठीक है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, हम नेक्स्ट टर्म में लिख के दिखा दें। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू एन इंटू साइन 2 पाई बाई टू एन इंटू लास्ट टर्म इज वॉट साइन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, सेम क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे होल टू द पावर 1 बाय एंड। अब देखिए हमें इसे डेफिनेट इंटीग्रल है जो लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसा करते हैं इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू दिस। ओके, इफ यू टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो देखिए क्या मिलेगा, लॉग ए इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी, ओके, लॉग ब्रैकेट साइन पाई बाई टू एन इंटू साइन 2 पाई बाई टू एन इंटू लास्ट टर्म इज व्हाट साइन 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू पाई बाई टू एन होल टू द पावर 1 बाय एन। अब देखो लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम होल टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन लॉग एम, तो ये देखो ये पावर पहले चलाएगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस, लॉग ए इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 बाय एन एंड लॉग, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो लॉग अगर प्रोडक्ट में रहता है तो वो समेशन में चला जाता है, तो वी कैन राइट लॉग साइन पाई बाई टू एन प्लस लॉग साइन 2 पाई बाई टू एन प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस लॉग साइन 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू पाई बाई टू एन। Is it all right? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, log a इज वॉट, अब हमें इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना है इस पूरे को, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 बाय n, अब देखिए हम अब लगाने जा रहे हैं सिग्मा, सिग्मा जो r की वैल्यू है 1 से लेके कहां तक जा रही है, n माइनस 1 तक जा रही है, इनिशियली यहां पे देखो 1 इंटू पाए 2 इंटू पाए लास्ट में जो है n माइनस 1 इंटू 2 पाई, ठीक है, देखो 1 2 अप टू कहां तक गया है, ये n माइनस 1 तक गया है, ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, 1 बाय n तो बाहर आ गया, अब हम इसे लिखेंगे r गोज फ्रॉम 1 टू 2 टाइम्स n माइनस 1, देखो पहले में 1 पाए, दूसरे में 2 पाए, तीसरे में फिर 3 पाए, तो nth में क्या आएगा 2 टाइम्स n में, तो ये कहां तक गया 1 से लेके 2 टाइम्स n माइनस 1, देखो यहां पे 2 भी दिया है, सी केयरफुली, 2 टाइम्स n माइनस 1 इनटू पाई, तो r गोज फ्रॉम 1 टू 2 टाइम्स n माइनस 1, हम इसे क्या लिखेंगे, log sin r पाई बाय 2n, वी कैन राइट लाइक दिस। सॉरी, अब देखो हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, अब हमें 1 बाय एन भी मिल गया बाहर, इसको हमें dx मानना है, r बाय एन को क्या मानना है, x मानना है, तो लेट कर लेंगे r बाय एन इज व्हाट x एंड 1 बाय एन इज इक्वल टू dx, लेट नहीं हम इसे पुट करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे लिखेंगे पुट r by n is x and 1 by n is dx. Now, this limit will be converted into, अभी देखो, 1 by n को हमने dx रख दिया, अब एक चीज और, जब r approaches 1 है, r approaches कितना है, r approaches 1, then x approaches क्या होगा, 0, because देखो, ये r अगर हम 1 रखते हैं, तो 1 by n आएगा, and limit n approaches infinity पे, 1 by infinity हो जाएगा 0, when r approaches n 2 times n minus 1, x approaches 2, तो ये हो जाएगा, is it all right? एक बार और हम लिखते हैं, sigma 1 by n हम बाहर ही रखेंगे, r is equal to 1 to 2 times n minus 1, log sin r by n एक तरफ ले लेंगे, into pi by 2 एक तरफ, ठीक है,
अब यहां से हम जो है प्लग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 2। अब देखो 1 बाय n तो dx हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा log साइन पाई x बाय 2 इंटू dx, ठीक है। तो अब देखो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको हम करेंगे। अब देखो अगर पाई x बाय 2 को हम t मान लें तो लेट पाई x बाय 2 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 2 dx क्या होगा, दैट इज इक्वल टू dt। तो dx क्या हो जाएगा, 2 बाय पाई इंटू dt। एक चीज और देखो, x अप्रोचेज जब 0 होगा तो t अप्रोचेज भी 0 होगा, x अप्रोचेज 2 होगा तो t अप्रोचेज क्या होगा। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जो है, ये वाला इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया 0 से पाई log sin t into 2 by पाई dt, ठीक है ना। अब देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप लोग भी ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 log 2। इसे एज ए फॉर्मूला हम याद करके रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इसको जो है मेमोराइज कर लेना, मेमोराइज इट एज ए फॉर्मूला, ओके। 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2 log 2, ओके। तो देखो 2 बाई पाई जे कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, इसे हम ले लेंगे बाहर, ठीक है, ये आ जाएगा बाहर 2 बाई पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई log sin t dt, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, 0 से पाई बाई 2, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है, ठीक है, 0 से पाई आ रहा है। तो एक यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं, देखो एक आइडेंटिटी होती है, नोट इट डाउन, कि 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, इफ एफ 2 ए माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखें 2 बाई पाई, तो हम कैसे लिखेंगे 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से, हमने क्या किया 2 से इंटू मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं पाई को, 2 इंटू पाई बाई 2, वाई नॉट, इज इट ऑल राइट, लॉग साइन टी इंटू डी टी। अब देखो 0 टू 2 ए, ये 2 हो गया और ये a हो गया, 0 टू 2 ए, 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स, 2 नीचे आ जाता है। अब देखो साइन पाई माइनस टी क्या होगा, साइन टी आएगा, अगर हम मान लेते हैं एफ एक्स को साइन टी मानते हैं, तो देखो अगर हम एफ टी को मानते हैं साइन टी, ठीक है, तो एफ पाई माइनस टी क्या होगा, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस टी, एंड साइन पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस 2 को नीचे ला सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी इंटू डी टी, एंड ये तो फॉर्मूला हो गया, देखो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था, ये देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 या 4 बाई पाई एंड 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी डी टी इज वॉट माइनस पाई बाई 2 log 2, तो यू कैन राइट माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो देखो इस 2 से 2 पाई से पाई गया, यहाँ से 2 या 4, तो ये हो गया माइनस 2 log 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 टू द पावर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं इसको log 1/4, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, हमने किसकी वैल्यू अभी निकाली, log a, तो log a किसके बराबर आ गया, log 1/4। अब तक क्या चल रहा था, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार, log a था, ठीक है, देखो ये किसके बराबर चल रहा था, log a के बराबर, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था वो log a था, ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये log a किसके बराबर आ गया, log 1 by 4. That implies a is what, 1 by 4. This one is final answer. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स.